तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ वीके टेक टीम में। आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो मोबाइल 2F के एक फीचर्स के बारे में कमाल के, जिसका नाम है होम स्क्रीन लेआउट। अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो बने रहिए इस वीडियो में, और वीडियो कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हमारे इस चैनल पर आती रहती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद जो सबसे ऊपर का जो लास्ट फिफ्थ वाला जो ऑप्शन है, ये वाला होम स्क्रीन एंड स्क्रीन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, सिंपली आपको इसको कर देना है क्लिक। क्लिक करते सही जो इससे पहले वाली वीडियो जो है होम स्क्रीन मोड, इसकी हमने बात कर ली, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आई बटन में मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले होम स्क्रीन लेआउट 6x4x6 या 4x4 जो भी है, सिंपली आज मैं इसी टॉपिक पे करूँगा बात। जैसे कि आप देख सकते हैं 4x6, अब जैसे ये कॉलम नीचे जो ऑप्शन देख रहे हैं, नीचे एक ऑप्शन अलग से बना हुआ आ गया है कॉलम, और ये वाला आ गया रो। अब मैं कॉलम कम कर देता हूँ, मैंने इधर पे दो कॉलम कर दी, क्योंकि दो से कम कॉलम नहीं होंगे। रो मैंने चार रो कर दी, क्योंकि चार से कम रो नहीं होगी। अब हम बढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने इधर पे तीन रो कर दी, इधर पे पांच कॉलम कर दी, तीन कॉलम पांच रो, बट मैं अब रो को नहीं बढ़ा रहा, सिर्फ कॉलम्स बढ़ाऊँगा। मैंने इधर पर चार कॉलम कर दिए, पाँच कॉलम कर दिए, छः, पांच कॉलम से आगे बढ़ नहीं रहा है। मतलब एक में पांच कॉलम में रख सकता हूँ, मतलब चौड़ाई में, जैसे आपका घर है, आपके घर में आप इस चौड़ाई में कितनी चीज़ें रख सकते हैं, ये पांच कॉलम रख सकते हैं। मैंने पांच कॉलम रख दिए मान के चलिए, और रो कितनी रख सकते हैं वो भी देख लेते हैं। मैंने पाँच रखी, छः रखी, और सिक्स रो रख सकते हैं, मतलब छः लाइनें रख सकते हैं, मतलब ऊपर से वन, मैं आपको दिखाता हूँ, वन टू, बॉक्स बना हुआ दिख रहा होगा, वन टू, ये बैक कर लेता हूँ मैं एक सेकेंड, वन, ठीक है, और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रो हैं और फोर कॉलम्स हैं। ऊपर से आप देख सकते हो, वन टू थ्री फोर और एक फाइव, तो फाइव कॉलम्स ये हैं चौड़ाई में, तो इसके अंदर आया। बट हमने हमारा अभी क्या सेट है, फोर इंटू सिक्स सेट है, हमने इसे 4x5 कर दिया, 4x4 कर दिया, और 4x इससे कम नहीं होगा। तो इस तरह के से हम इसे सेट कर सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं ये अब आप ऐसे अगर आप उठाएंगे तो एक एक को इधर उधर ले जाने में दिक्कत होगी। जैसे मैं अब इसे आपको उठा के सीधे यहाँ पे ले जाके रख सकता हूँ, ठीक है ना, इस पर क्लिक करा, ये ऐप खुल गया। जैसे कि आप देख सकते हैं मेनली जो होता है इसमें रो का जो ऑप्शंस रहता है, जैसे मैं इधर से इसको उठा के इधर से उधर स्वाइप करता हूँ, तो ये एक बॉक्स के हिसाब से डिवाइड होता है कि वो जो पर्टिकुलर ये चीज़ है वो इधर पे आकर इसी एरिया में फिक्स होगा, ना कहीं इधर ना कहीं इधर, आड़ा तला कहीं भी नहीं रखाएगा, इस एरिया में फिक्स होगा। वो डिवाइड जो होता है वो इसके कारण होता है। जैसे आपने ये देख लिया है, ऊपर की चार रो हैं और नीचे के जो हैं, ऊपर के चार कॉलम्स हैं और नीचे की सिक्स रो हैं, तो इस हिसाब से ये डिवाइड होता है कि मैं जो भी ऐप उठा के यहाँ कहीं पुट करूँगा तो वो सिर्फ इसी बॉक्स के अंदर आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसका काम इससे होता है, जो इस ऐप में जो ये आपका ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम है इस होम स्क्रीन लेआउट, तो ये होम स्क्रीन लेआउट द्वारा दिखाया जाता है। अब आप अगर सोचें कि अगर इसको अगर मैं और छोटा हो सकता तो ऐप और छोटे हो जाते, समझ रहे हैं, बट इस कॉलम के अंदर ही रहेगा, तो ये हर चीज़ एक तरह की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी रहती है। बाकी इसी तरह का कुछ फंक्शन से आप अपने हिसाब से रो 3 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, आपको जैसा जो साइज़ रखना है, तो ऐप का आपके उसी एरिया में फ़िक्स हो जाएंगे। अभी देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ऐप इस लाइन में फ़िक्स हैं, ऊपर तक आप 6 ऐप की पूरी लिस्ट रख सकते हैं, तो इस तरह आप कर सकते हैं इसमें काम। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये बताइएगा, और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारे सोशल लिंक्स पे आइए, उस पे आप बता सकते हैं। बाकी सोशल लिंक के सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को कर लीजिए लाइक, और शेयर जरूर करिए, क्योंकि शेयर बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।